यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम खेलने जा रहे हैं न्यू माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक की वीडियो। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था एक फार्म और ट्री फार्म, ठीक है। आज हम इस ट्री फार्म की जगह आज हम बनाने वाले हैं जानवरों के लिए, क्योंकि हमारे जानवर देख रहे हो कैसे कैसे फंसे हुए हैं, सबको अलग अलग करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्लैब निकालता हूँ, मेरे पास स्लैब बहुत सारे होंगे। मेरे पास स्लैब थोड़े से पड़े हुए हैं, गाइस मैंने थोड़े पेड़ भी काट लिए थे और इस जगह थोड़ी सी बड़ी कर दी है मैंने, कि ज़रूरत तो पड़ी थी थोड़ी सी बड़ी करने की, थोड़ी सी बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि गाइस इतना जरूरत पड़ा था। तो हम इसका हम लोगों ने इस साइड कर दिया गाइस, इस साइड कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं स्टोन फेल्स को थोड़ा सा तोड़ने वाले हैं कि हम लोग को लावा बकेट मिल जाए, जिससे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बना सकें, ठीक है। फटाफट पहले मैं इसको तोड़ता हूँ। और गाइस आप लोग में से इतने बंदे वीडियो देख रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फेस रिवील नहीं करूँगा आप लोग का पोल खोलूँगा कितने बंदे नहीं कर रहे हैं। फटाफट जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है। अरे 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 तेरी मर गया। मेरे को मार डाला रे, बच गया गाइस, अभी तो मर गया था, हाथ था। हट बढ़ जा गाइस, दोबारा नहीं तो सेफ्टी बनानी पड़ेगी मेरे को, नहीं तो मर जाऊंगा इस तरह। मेरा बंदा खड़ा ही नहीं हो ना, आदत नहीं है ना मेरे को माइनक्राफ्ट करने की। फटाफट पहले तोड़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको फेस को तोड़ के आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। गाइस दिल चेस्ट आ चुकी, पिकैक्स ब्रेक होने की बात ही छोड़ दो, तो दिल चेस्ट आ गई। तू क्या देख रही रे, तेरी पप्पी ले गई ऐसी देख रही है। गाइस लावा बकेट आ चुकी है और ब्लास्ट फर्नेस, आयरन की पिकैक्स और कुछ स्टिक फूड, मतलब कि ब्रेड बकेट। चलो गाइस अब हम पहले बनाएंगे एक स्टोन फार्म, पत्थर वाले। एक मिनट। अराउंड मेरे पास स्टोन है कुछ 17 स्टोन में हो जाना चाहिए वैसे तो। वुड है मेरे पास, डॉट का यूज़ तो नहीं करेंगे, वन ब्लॉक में डॉट कीमती है, तो स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, स्लैब स्टोन वगैरह इससे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमको इसको बस ऊपर ले जाना है कि हम इसके आगे बना सके ब्लॉक्स वगैरह से। पहले हमको यहाँ पर लगाना है नॉर्मल ब्लॉक इस टाइप का, उसके बाद इसके ऊपर वन एक स्टेयर्स टाइप में बनानी है, ठीक है। क्योंकि गाइस हम इसको नीचे क्यों रखें, एक केव टाइप में, क्योंकि अगले फेज में मान लो नेदर फेज में इसमें घास आने वाली है, और घास आएगी तो ऊपर का सब तोड़ देगी, आप लोगों को पता ही होगा घास के बारे में। तो सर कहीं भी स्पॉन हो जाती है, नमूनी कहीं की है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फटाफट पहले मैं ये कर देता हूँ। भाई स्टोन कम पड़ेंगे यार, स्टोन फार्म चाहिए ही होगा, यहाँ बनाऊंगा तो वुड में आग लग जाएगी, क्या करूँ मैं। गाइस थोड़ा सा तोड़ लेते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं, स्टोन नहीं है मेरे पास, वुड वगैरह मतलब कुछ टाइप वगैरह कुछ, सिर्फ हमारे पास नहीं वुड स्टोन है। गाइस एक करते हैं, पहले हम लोग स्टोन फार्म बनाते हैं, उसके बाजू में ही बना देता हूँ, क्या करना है। पहले हमको ये यहाँ का 1, 2, 3, 4 ब्लॉक तोड़ना है, यहाँ का ये तोड़ना है, मतलब कि मैं इसको पूरा स्टोन लगाने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं लाइट कैसे होता है कि यहाँ पे हमें स्टोन लगाना है, क्योंकि नीचे का जलने लगेगा, साइड वाइड का वुड वगैरह दिक्कत हो जाएगा, जलना चाहिए नहीं ना। गाइस हम इस वन ब्लॉक को ऐसा बनाएंगे, आप लोग देख कर रह जाओगे। अभी हमको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नीचे का जले ना बस। वाटर बकेट है ना अपने पास, वाटर बकेट था ना गाइस, मुझे वाटर निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, वाटर बकेट मुझे चाहिए।
गाइस वाटर बकेट से वाटर निकालना पड़ेगा यहाँ से, खेत से पानी निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। गाइस मुझे नीचे आना है आराम से, ऐसा करता हूँ इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ लगाता हूँ क्योंकि रिस्क कम रहेगा इस तरह नीचे जाके फिर ऊपर आने का। एक काम करता हूँ, रुक जाऊँगा इसमें, अभी भी डर लग रहा है कि नीचे जाके मर जाऊँगा। एक ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, कोल, एक बकेट, ये बोन मिल, आयरन की पिकेक्स और हमारे स्लैब रख देते हैं गाइस अंदर, और ब्रेड भी। मुझे ब्रेड भी नहीं चाहिए बिकले तो। चलो भाई सब चलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं रहेगा बिल्कुल भी। भाई क्या है, वाटर सोर्स से इसलिए गिरा है। चलो गाइस बच गया मैं तो, ब्लॉक लगा दिया, बाकी पटाख से पहले सो जाते हैं, तो गर्मी हो रही है भाई साहब, इतनी गर्मी, माइनक्राफ्ट नींद नहीं लूँगा मैं, लूँगा लूँगा क्यों नहीं लूँगा। एक वाटर बकेट और ये लेते हैं, सब नहीं लेने वाला मैं, मन कितना जाओ वो तो कचरा ही था, एक टाइप तक कचरा मैं नहीं लेने वाला यार। आराम से पहले स्टोन लगाते हैं, एक ब्लॉक से वाटर आएगा तो मान के दूसरे ब्लॉक पे सिंपल रहेगा, नॉर्मल सिंपल रहेगा। तो अपन यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के ऐसे लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे डालेंगे एक वाटर पे वाटर जो फ्लो करेगा कुछ इस टाइप, और इधर डालेंगे हवा, और ये हमारा बन गया कॉबल स्टोन फार्म। पिकैक्स भाई, पिकैक्स डालने बोल गया, मैंने चाहता कि ये ऐसा जलता रहे बस, गाइस हमको ये तोड़ना पड़ेगा नहीं तो जलने लगेगा फिर से, लावा जहाँ रहता है वहीं जलता है मैक्सिमम चीज़ तो यही होती है। बस स्टोन है थोड़ा मोड़ा जिससे हम एक पिकैक्स तो बना ही सकते हैं, बना भी दें। चलो एक पिकैक्स से पहले हमें यहाँ का ये चीज़ तोड़ना है, ये नीचे का तोड़ के यहाँ पे ये लगा के आराम से यहाँ पे बैठ के स्टोन माइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमने स्टोन तोड़ दिया था, मैंने जमा कर लिया स्टोन, देख सकते हो जैसे मेरे पास अभी कम से कम है, अच्छा खासा स्टोन है, कुछ स्टोन है और कुछ मैंने इसको बढ़ा भी दिया है, कम से कम मैंने इसको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ब्लॉक कर दिया है, नौ ब्लॉक की हाइट काफ़ी होगी गाइस अभी तक के लिए, नौ ब्लॉक काफ़ी है। तो गाइस हमको ऊपर का एरिया कवर करना है, नौ ब्लॉक बहुत काफ़ी है। फूड के लिए थोड़ा फूड ले लो पहले, थोड़ा फूड ले लो मैं, ट्रक हमें करना पड़ेगा जम ब्रेक, यहाँ पर हो जाएगी गड़बड़। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब कि बड़ा करना है जगह को जिस पे हम बनाएंगे अपना सम्फर। वो मैं नीचे का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है घास्ट के बारे में, मुझे घास्ट का थोड़ा दिक्कत है। जाके देखते हैं। तो भाई हमने इतनी बड़ी जगह कर दी अभी,
इतनी बड़ी जगह में तो हो ही जाना चाहिए। अरे कैसा नहीं होगा, वन ब्लॉक वाले हम, ये भी थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे बनाने वाले हैं अपना एक क्या कहते हैं बान हाउस, सुअर का घर। थोड़ी सी लकड़ी और चाहिए, थोड़ी सी लकड़ी और लेते हैं और फिर चलते हैं गाइस। मतलब ये पेड़ काट लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। और आप लोग के वन ब्लॉक की वीडियो कैसी लग रही है और आप किस किस गेम पे आप वीडियो जाते हो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, मैं उस गेम पे वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ कि किस गेम पर से लगाते हैं पटाख से। और ये हमारे पता नहीं कहाँ से ट्रेडर भाई साहब आ गए, क्या क्या रखा है रे तू एमरल के बदले? भाई एमरल नहीं है ये चीज़ काम की है, एमरल नहीं है, विलेजर ही नहीं है, एमरल कहाँ से लाऊँगा, गरीबी नहीं चल रही था। चलो लॉक तो मिलेगा, सबसे पहले इसी साइड बनाऊँ कि ऊपर बनाया जाए। मेरे हिसाब से मुझे इधर ही बनाना चाहिए क्योंकि इधर ही बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। शुरू होते जानवर देखेंगे पहले, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ कि ना करूँ, पीछे हो सकता तो थोड़ा अच्छा था। थोड़ा यही बनाते गए, चलो कोई बात नहीं छोड़ो जान दो। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक दो तीन चार, चार ब्लॉक की हाइट काफ़ी होगी मेरे हिसाब से। चार ब्लॉक के बाद हमको कुछ बेकार ब्लॉक की चीज़, जैसे ग्रेवल तो काम नहीं आएगी, डॉट बेकार ब्लॉक, इस समय अभी डॉट कॉम यूज़ करते हैं, इससे हम थोड़ा सा ये बना सकें व्यू, जिससे हम थोड़ा सा ये भैया आखिरी बस इस तरह लगा के वो नीचे कूद जाना है क्योंकि मेरे डर चाहिए ब्रो। इस टाइप से बस इतना बड़ा काफ़ी होगा। यहाँ से बान हाउस है, मतलब छोटा सा ही हाउस है। चलो गाइस यहाँ से बस हमको थोड़ा रिक्सी है, बाकी बाद में ठीक कर देंगे हम इसको। फोर उसके बाद डॉट और फिर वन, फिर डॉट को तोड़ना हमको। तो गाइस हम बाद में तोड़ेंगे तो बाद में बहुत ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पे एम लगाकर वहाँ पर तोड़ना है, फिर यहाँ पर और एक उसको तोड़कर, अरे यार ये उल्टा लग गया, शिट यार, एक डट और लगेगा क्या? उल्टा लग जा रहा है यार, डट लगेगा। नीचे से डट लगेगा ब्रो, नीचे मत गिर जाना एक भी डट, काम की चीज़ हो तुम, वन ब्लॉक में तुम ही तो नहीं मिलती हो, बाकी सब मिल जाती है। गाइस थोड़ा सा इधर बस, तो मुझे गिरना ही था, मुझे पता था, खाना खा लूँ नहीं तो गिर गिर के मर जाऊँगा, मुझे तो इतना कंफर्म है कि मैं गिर गिर के मर जाऊँगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो है, फिर हमको यहाँ से स्टोन ब्लॉक चाहिए होंगे, स्टोन लगाएं? नहीं नहीं स्टोन रहने देते, वुड लगाते चलो। तो हमको चाहिए होंगे कुछ स्टोन ब्लॉक, मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, बस दस ब्लॉक काफ़ी है, बस ये भी काफ़ी है, ठीक है दस ब्लॉक पे ठीक रहेगा। क्योंकि हम इसके अंदर रखने वाले हैं अपने वो जानवर जो हमको बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारे पास स्टोन ख़त्म हो गया, रुका स्टोन लेके आते हैं, मैंने फर्नेस पे स्टोन तो होना चाहिए, स्टोन है मेरे पास, ऐसे फर्नेस पे से निकाले तब भी। चलो ऊपर चलते पहले,
बड़े बड़े स्टोन लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टोन वाला। अब हमको यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है, मतलब जैसे हमने वहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो मैं बना के आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। उसको होने के बाद मैं सोच रहा था बान हाउस बनाऊँ, बाकी एक बान हाउस ही बनाते हैं फटाक से, बान हाउस ही बनाया जाए। इस तक करने के बाद दोनों साइड से कर दिए हम गाइस। उसके बाद हमको स्टोन चाहिए, इस लेवल पे एक और स्टोन लगाना है हम लोग को, मतलब फटाफट स्टोन लगाना है इस लेवल पे, फटाफट स्टोन लगाना है इस पर। लगा दिए इस पे स्टोन। अब इस साइड भी स्टोन लगाना है हम लोग को, सेम टू सेम, ठीक है। स्टोन लगाने हम लोग को इस साइड कि जो बान हाउस का वो रहे ना, मतलब कि क्या कहते हैं एरिया, वो अच्छा लगे हमको। इस दो साइड कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ तक स्टोन लगा सकते हो, जैसे कि एक दो तीन चार, यहाँ पर स्टोन लगा सकते हो। देखिए अच्छा नहीं लगेगा, हटा दो। नहीं नहीं अच्छा लगेगा, बस यहाँ तक स्टोन रखना है, ठीक है। फिर हमको स्टोन नहीं रखना है, फिर हमको इस साइड से हमको करनी है वुडिंग, मतलब कि क्योंकि हमको चाहिए होंगे प्लैंक्स, थोड़े हमें प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे इसके, थोड़े क्या बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, सही बताऊँ तो थोड़ा बहुत पहले प्लैंक्स बन जाते हैं भैया। फिर हमको क्या करना है प्लैंक्स हम बताते हैं आप लोग को। हमने दो स्टैक प्लैंक्स तो ले ही लिया, चलो काफ़ी है दो स्टैक। के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाना है, जैसे कि हम लोगों ने इस साइड बनाया था ना, इस टाइप से स्टेप्स, इस स्टेप को पूरा फिल करना है इसको, पूरा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा है, जो ये साइड है, यहाँ पे हमने एक साइड बना दिया, अब इसका दूसरी साइड हमको फिल करना है, इसी तरह पूरा फिल कर देना है, एक नॉर्मल हाउस जैसे होता है, ठीक है, उसी तरह फिल कर देना है। फिर थर्ड फ्लोर पर हमें इसी तरह करना है, पूरी साइड इसी तरह करना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ फटाफट, तो गाइस इतना हमने कर लिया है। इतना करने के बाद हम लोग को देखो क्या बान हाउस के गजब लग रहा है, बान हाउस ही बोलेंगे इस टाइप से अभी के लिए तो। और यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, पहले डट हटाएं डट भाई, हम लोग को अब एक स्टोन बढ़ाने के बाद इस साइड से हम लोग को भी एक एक स्टोन बढ़ाना है, क्योंकि स्टोन अच्छा लग रहा है वैसे तो बताऊं। अब हम लोग के पास और कुछ चीज़ें हैं भी नहीं स्टोन के सिवा, अच्छा लग रहा है गाइस, ठीक है। और हम लोग को थोड़े ट्रैप डोर्स भी चाहिए होंगे, शायद इसके ट्रैप डोर अच्छे दिखने तो चाहिए गाइस, दिखते हैं कुछ बनाकर। 10-18 ट्रैप डोर चलता है, 18 ट्रैप डोर देखते हैं कैसा लगता है ट्रैप डोर, वैसे ट्रैप डोर में कह नहीं सकता अच्छा दिखेगा, देखते हैं। अरे यार ट्रैप डोर ही उल्टा लग गया, बस हमको इतना करना है कि जानवर बाहर ना निकले। देखें गाइस हमको थोड़ा सा यहाँ पे वन ब्लॉक ऊपर करके यहाँ पे रखना है, ये ऑटोमेटिक जानवर स्पॉन हो रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमने एरिया बड़ा कर दिया है। लो मेरी टूट गई एक्स, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, एक और लगा के देखते हैं तो पता चल जाएगा अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
अच्छा दिख रहा है गाइस, एक मिनट चेक कर लीजिए, अच्छा दिख रहा है गाइस। फटाफट मैं इसको सबको लगा के आता हूँ, ठीक है ट्रैपडोर, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फटाफट मैं करके आता हूँ, गाइस तो हमारा बन हाउस कुछ ऐसा बन चुका है अभी के लिए, ठीक है। और ये हमारे चैनल के सभी वीडियो होने वाली है, मतलब कि 100 वाली वीडियो, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए गाइस। तो गाइस इस वीडियो पे हमने स्पेशल ये किए हैं, जो 10 बंदे सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो पे अपने चैनल पर शाउट आउट देने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं डार्क ऑक का कुछ सैपलिंग वगैरह नहीं है क्या? डार्क ऑक होना चाहिए, अरे हाँ डार्क ऑक का कुछ पड़ा है गाइस, क्योंकि डार्क ऑक भी आया था, थोड़ा सा डार्क ऑक पड़ा हुआ है। डार्क ऑक से हम एक चीज़ कर सकते हैं, रुक जाओ गाइस, पहले सबसे पहले मुझे स्टिक चाहिए होंगे, स्टिक्स तो हैं मेरे पास, ये बना सकते हैं फेंस, तो फेंस की जरूरत हमको पड़ने वाली है, वैसे जानवरों के लिए फेंस ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा फेंसिंग लेके देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मैं पीछे पूरा फेंसिंग करने वाला हूँ, क्योंकि जानवरों को कोई भरोसा नहीं, जनाब कहीं से भाग जाए। ऐसे अच्छा लग रहा है वैसे तुम, हाँ यहाँ पे फेंसिंग करनी ही पड़ेगा इस, देखो ऐसा हो गया, कैसा लग रहा है ये, एकदम जेल लग रहा है। अब जगह से तो रात हो गई है, पटाख सोते हैं पहले, सोने के बाद जब उठते हैं उसका देखते हैं फेंसिंग। मैं एक चीज़ और बना के चलता हूँ, डार्क हो गया ही है थोड़ा सा, और एक गेट कैसे बनता है, गाइस डार्क ऑक मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ, थोड़ा सा ही डार्क ऑक लिया, ज़्यादा महंगा नहीं, यहाँ से अच्छा दिखेगा। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना गाइस, देखो गाइस कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। इसके अंदर जानवर ला देंगे, ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो जाएगी, हम लोग कूद के इससे निकल सकते हैं, बहुत मस्त चीज़ हो जाएगी हमारे लिए, जानवरों के लिए ठीक अच्छा है गाइस। तो जैसे कि हमने इसको सोच के रखा है गाइस कि मैं इसको सिर्फ अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवरों के लिए यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवर कोई है तो है मशरूम काओ और काओ शिप्स, तो मैं इसको दो भाग में तो बांट नहीं सकता, एक मिनट दो भाग में बटेगा नहीं, हाँ सिर्फ मैं इसमें शिप्स रखने वाला हूँ, सिप्स और मशरूम काओ, बस यही दो चीज़, तो यही दो चीज़ मैं रखने वाला हूँ। और मैं इस एरिया को और एक्सपेंड कर दूंगा गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग उसको और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और मेरे पास कुछ रिसोर्सेस कम है, तो गाइस सबसे पहले हम फेस तोड़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आने के बाद हम सबसे पहले अपना फेस तोड़ेंगे, ठीक है। फेस तोड़ने के बाद इस वीडियो पर मैं टारगेट पहले आपको बताता हूँ, टारगेट जरूरी है आपको पता करना है, इस वीडियो पर मैं टारगेट देता हूँ 5 न्यू सब्सक्राइबर्स का, वॉच टाइम का कोई टारगेट नहीं है, आप वॉच टाइम कितना भी करो, लाइक एम रहेगा 10 न्यू लाइक का और 5 न्यू सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। वॉच टाइम होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट दे दूँगा, और ये पॉकेट एडिशन का है जो सबसे अच्छी बात है, ठीक है, अपग्रेड तो हो रहे हैं गाइस, चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।